हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ल्ड मैप इन 2 मिनट्स। बिफोर मेकिंग वर्ल्ड मैप यू जस्ट नीड टू नो अबाउट सम बेसिक्स। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। यू नीड टू नो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एंड देर आर 5 ओशंस नोन एज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। आल्सो नोन एज अंटार्कटिका ओशन इज आल्सो नोन एज साउदर्न ओशंस। So we will make a world map in just 2 minutes. Before starting, you just need to draw 2 lines at the far ends. दो lines मैंने यहाँ पे खींच ली हैं दोस्तों। तो हम real cube start करेंगे यहाँ पे। Center में हम एक line ले लेंगे। This line is at 0 degree, which is also known as equator. At the scale distance, we'll draw another line. This line is Tropic of Cancer, also known as Tropic of Cancer को हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। It is 23 degree and half minute north of equator. Equator हमारा भूमध्य रेखा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। ये हमारा है Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। इट इज 23 degree and half minute नॉर्थ। सिमिलरली वी विल पुट सेम स्केल डिस्टेंस लाइन एट साउथ ऑफ इक्वेटर। इट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23 degree and half minute साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जी दोस्तों, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। थोड़े से डिस्टेंस अब यहां पे हम ज्यादा लेंगे। ये है हमारा 66 degree half minute नॉर्थ। आर्कटिक इसी तरह यहाँ पे नीचे साउथ में लेंगे हम 0 degree इक्वेटर से, जो होगा हमारा 66 degree half minute साउथ। अंटार्कटिका ये हमारा दोस्तों बेसिक है। मैप स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सेंटर से लेफ्ट में 0 degree लैटिट्यूड पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, मध्यान रेखा, प्राइम मेरिडियन। ये 0 degree प्राइम मेरिडियन है। अब हमने ये हमारा इक्वेटर को यहाँ पे कट कर रही है प्राइम मेरिडियन, तो हमने इसके लेफ्ट से स्टार्ट करना है यहाँ से। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी पड़ेगी, जहाँ पे ये कट कर रही है 0 degree इक्वेटर को, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। दोस्तों रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको 2-3 बार इसकी, और आपको याद हो जाएगा ये। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगी, इसी के पैरेलल में हम एक और लाइन लेंगे यहाँ से टच करते हुए, और यही रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा बाहर को आके। फिर वापस ये इसके पैरेलल में जाएगा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पैरेलल चलेगा, और यहाँ हमारा ये अरेबियन सी इंडियन कंट्री, और ये श्रीलंका, यहाँ से होते हुए म्यांमार ये टच करेगा इक्वेटर से थोड़ा पहले, और यहाँ से ये जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया से होते हुए ये यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये यूरोप, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्पेन, पोर्टुगल, यूरोप बन गया हमारा। अभी हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है,
ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, इसी के नीचे हम यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं जो हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फिलीपाइंस है, ये ताइवान जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जापान के चार आइलैंड्स हैं, ये जापान, और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसी के नीचे यहाँ पर ये हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, और यहीं पर दो कॉन्टिनेंट, दो आइलैंड्स हैं, नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स, इसको हम बोलते हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कंट्री, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही आती है। ये ऑस्ट्रेलिया हमारा कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, और ये कॉन्टिनेंट सारा मिला के ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है। इसके बाद यहाँ पर यूके जो प्राइम मेरिडियन जहाँ से कट करती है इसको, ये हमारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, और यहीं पर आइसलैंड भी है। इसके बाद आ जाते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये अलास्का रीजन, ये मियामी फ्लोरिडा, मेक्सिको, यहाँ पर कुछ कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ये हमारा यहाँ पर ये अलास्का जो यूएसए में आता है, ये कनाडा, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, आर्कटिक, आर्कटिक, और ये अंटार्कटिका है नीचे। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, ये हमारा यूएस, और नीचे हमारा ये मेक्सिको, यूएस में यहाँ पे हमारे पास है मियामी फ्लोरिडा, और ये पनामा सिटी, यहाँ से इसको टच करते हुए जो हमारा कॉन्टिनेंट शुरू होता है, यहाँ पर ये हमारा साउदर्न अमेरिका जिसमें आती है कंट्रीज, यहाँ पर है ब्राज़ील, और जो कंट्री पनामा सिटी को टच करती है वो हमारी कोलंबिया, ये हमारा पेरू, और ये नीचे जो कंट्री जा रही है यहाँ पर, ये है चिले, ये हमारा साउदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ग्रीनलैंड। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे अंटार्कटिका, ये हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो फाइव ओशंस हैं हमारे, वो है हमारे पैसिफिक ओशन, ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन जिसे हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं, ये साउथ पैसिफिक ओशन। उसके बाद तीसरा ओशन आता है इंडियन ओशन, ये हमारा सारा इंडियन ओशन है। इसके बाद आता है हमारा आर्कटिक ओशन जो यहाँ पर है, आर्कटिक ओशन, और लास्ट है वो है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका का साउदर्न ओशन जिसे कहते हैं, फाइव ओशंस। तो रियल क्विक टू मिनट्स में हमने आउटलाइनिंग कर दिया वर्ल्ड मैप की, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंट्रीज और IBPS PO से रिलेटेड क्वेश्चंस, IBPS GK में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी मैपिंग कैसे करते हैं। थैंक यू गाइस।